हेलो गाइस, बगिस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको अखिलेश। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फॉर एन लूप। ओके, तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा फॉर लूप, तो फॉर लूप कैसे वर्क करता है वो मैं डीपली डिफाइन किया था वहाँ पे। ना नेक्स्ट एक लूपिंग है विच इज कॉल्ड फॉर इन लूप। ओके, तो फॉर लूप और फॉर इन लूप में क्या डिफरेंस है? तो पहले फॉर इन लूप जाने से पहले एक बार बेसिक फॉर लूप का देख लो। फॉर लूप में क्या था, इसमें तीन पार्ट में डिवाइड था। पहला यहाँ पे पार्ट था लाइक कोई स्टार्ट कहाँ से होगा। ओके, एंड सेकेंड पार्ट था ये लूपिंग कितनी टाइम चलेगा बेस्ड ऑन कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैंने वन से स्टार्ट किया था, उसके बाद आई लेस देन इज इक्वल टू 5 दिया, तो मतलब आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट वन से किया था, तो इसका मीन्स ये लूपिंग है ये 5 टाइम इसे घूमेगा या 5 टाइम कंटिन्यू करेगा, 5 टाइम प्रिंट करेगा। ओके, नाउ अब हम लोग फॉर इन लूप देखेंगे। फॉर अभी यहाँ पे जो लूपिंग है यहाँ पे हम लोग को लेंथ डिफाइन करना पड़ा था या कितनी बार घूमना हो डिफाइन करना पड़ता है। फॉर इन लूप में ऐसा नहीं है, ध्यान देना। फॉर इन लूप रिएक्ट विथ ऑब्जेक्ट्स एरे एक्सेट्रा, मतलब ऐसे जो वेरिएबल रहेंगे उसके साथ वो वर्क करेगा। एंड नो नीड टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द एरे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लेंथ ऑफ एरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कितनी बार इसको घुमाना है, ये जैसा डेटा रहेगा उसके बेसिस पे वर्क करता है। ओके, सोलर सब लोग देखते इसमें क्या रहेगा। ओके, नाउ यहाँ पे ऑफिस में एक बार रिपीट करूंगा। ओके, सिंपली यहाँ पे देखो, अभी एक ऑब्जेक्ट टाइप डेटा टाइप है। ओके, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ। ओके, सो द जावास्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसका जो जो भी लूपिंग रहेगा एक इसके ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी से होगा। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा, ध्यान देना। अभी ये वेरिएबल है लेट पर्संस। ओके, इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करके एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। ये तीन प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीओबी। खोलूंगे तो डिवाइड करके इसका वैल्यू सेट है। फर्स्ट नेम अखिलेश, लास्ट नेम कुमार, एंड डेट ऑफ बर्थ इक्वल टू इक्वल लाइक जो 0 5 0 से ये वैल्यू कुछ सेट है। अब देखो यहाँ पे जो फॉर इन स्टार्ट हुआ, इसको फॉर इन क्यों बोलते हैं, ध्यान देना। फॉर और इन, ए वर्ड कंपलसरी यहाँ पे, ठीक है। फॉर इन ब्रैकेट इन, इसके पहले जो आएगा एक वेरिएबल आएगा, और इसको राइट साइड जो आएगा किस वेरिएबल से वैल्यू आपको रीड करना है, जैसे मुझे पर्सन से रीड करना है तो यहाँ पे पर्सन आएगा। ओके, और इन के पहले यहाँ पे वेरिएबल आएगा प्रॉप, तो इसमें से क्या होगा, सिंगल सिंगल प्रॉप, लाइक फर्स्ट नेम पहले इसके अंदर आएगा, सेकेंड टाइम लास्ट नेम इसके अंदर आएगा, थर्ड टाइम डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसे आने वाले हैं, इसे हम लोग करके देखते हैं आउटपुट कैसा आएगा, तो समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूँ, लाइक मैंने ले लिया लेटर, सेम लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने पर्सन डिफाइन किया। ओके, अभी इसमें मैं सिंपली ले रहा हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम दे दिया यहाँ पे। ओके, अखिलेश, एंड इसको मैं खाली इतना देता हूँ, कुछ नहीं लूंगा, ध्यान देना। फॉर कैसे डिफाइन करना है, फॉर राउंड ब्रैकेट कोई वेरिएबल ले लो, वेरिएबल आइज में ले लिया पी इन पर्सन, पी इन पर्सन। ओके, कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं इसके अंदर क्या आता है, पहले हम लोग पी प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने कंसोल में, यहाँ पे देखते हैं कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट नेम, मतलब ये पी क्या प्रिंट कर रहा है अभी, फर्स्ट नेम। अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम लेता हूँ, लास्ट नेम लिया कुमार समथिंग, और यहाँ मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये दो आउटपुट आया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पी अभी प्रॉपर्टी दे रहा है, अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पर्सन पी, मतलब पी के डेटा दे, पर्सन पी मतलब पर्सन फर्स्ट नेम का, पर्सन लास्ट नेम का, ऐसे इसका नाम आएगा अखिलेश कुमार, समझ पा रहे हो। यहाँ पे इसको मैं ऐसे करता हूँ, सब समझ में आएगा, ध्यान देना अभी। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली पी यूज करूंगा तो पी क्या देगा, प्रॉपर्टी क्या क्या आने वाला है। ओके, अगर इसको सामने में पी भी ला देता हूँ, मान लो पी, और इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ लाइक कोलोन, तो पी आएगा, फिर उसके बाद फिर प्रॉपर्टी आएगी। देखो ऐसे, फर्स्ट नेम कोलोन
अखिलेश। तो अब इसमें क्या हुआ, मुझे लेंथ डिफाइन नहीं करना पड़ा, फर्स्ट बेनिफिट। ओके, और यहाँ पे अगर मैं जितना डेटा ऐड करूँगा उसके बेसिस पे डेटा भी आते जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसमें बहुत सिंपल है फॉर लूप के अगेंस्ट। ओके, इसमें आपको कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, जैसा डेटा रहेगा वैसे इसका ट्रेवलिंग होगा, उसका ट्रेवलिंग होगा। ओके, तो इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रेवल होते हुए यहाँ इंडो बाहर निकल गया, सो सिंपल। ओके, तो ये जो फॉर लूप आपने देखा है किसके थ्रू था, ऑब्जेक्ट के थ्रू था। तो इसको मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिलेगा, लाइक कंसोल डॉट लॉग लाइक फॉर इन विथ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं अभी आगे और भी दिखाने वाला हूँ किसी और के थ्रू, इसके लिए मैं इसको कमेंट डाल रहा हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ एक मिनट दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल सपोज डेटा लेता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू रखा हूँ लाइक 10, 20, 30, 40। ओके, अभी मैंने एरे का एरे डिफाइन किया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब ध्यान देना कितना उसका फायदा क्या, देखो अभी आपको अभी यहाँ पे मुझे अगर यही फॉर लूप करना हुआ, यही डेटा का फॉर लूप प्रिंट करना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली, पहले मैं फॉर लूप्स दिखाता हूँ। अगर फॉर लूप्स करना हो तो वेरिएबल आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ, डेटा की लेंथ कितना है, और आई मैंने प्लस प्लस किया। ओके, और यहाँ पे मैंने डेटा ऑफ आई को प्रिंट किया, डेटा ऑफ आई को प्रिंट किया, ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट लेंथ, एनी इशू, ये हुआ कि डेटा क्यों नहीं आया भाई यहाँ पे, आई लेस देन डेटा डॉट लेंथ चेक करते हैं, वो डिबगर लगा के मालूम पड़ जाएगा अभी क्या इशू हो सकता है। ओके, डेटा में डेटा है लेंथ इसका 4 है, इसका फॉर लूप चला कि नहीं, लेट्स चेक कंसोल डॉट लॉग, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आई का वैल्यू डिफाइन नहीं किया, तो स्टार्ट कहाँ से होगा इसलिए कंफ्यूज हुआ। ओके, अभी आई मैंने स्टार्ट किया, इसको जीरो किया, अभी नाउ जब चेक करोगे तो डेटा आ जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे कंसोल में चेक करो 10, 20, 30, 40। अब चाहिए तो इसको मैं डायरेक्टली इधर प्रिंट कर देता हूँ, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, यहाँ पे लाइन ब्रेक करना पड़ता है, यही प्रॉब्लम इसलिए वहाँ पे किया था मैं, चलो कोई नहीं, तो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट लॉग, सॉरी सॉरी कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो इसमें अभी ये पार्ट क्लियर हुआ कि लाइक ये कैसे काम कर रहा है एरे के साथ। तो यहाँ भी जो फॉर लूप है एरे के साथ लेंथ डिफाइन करना पड़ता है, वही अगर मैं इसको फॉर इन के साथ करना हो तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान देना। इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा। ओके, वेरिएबल सेम आई इन डेटा, बस डेटा ऑफ आई, यहाँ डेटा ऑफ आई नहीं आएगा, डायरेक्टली आई आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो भी आपको लाइक 0, 1, 2, 3 मिल रहा है, तो ये आपका इंडेक्स। ओके, अगर डेटा चाहिए तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसा। तो इसमें क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि जो डेटा आता है या जो भी आएगा तो ये आपको एक इंडेक्सिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके इंडेक्सिस बेसिस पे डेटा मिल जाता है मुझे, आई नथिंग बट इंडेक्स यहाँ पे। ओके, सो ये था इसके साथ एरे के साथ। तो आप देख रहे हो कि फॉर इन में बेनिफिट क्या है, कि हम लोग को यहाँ पे
जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया वो एज इंडेक्स काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे प्रॉप है तो एज प्रॉपर्टी दे रहा है। ओके, वही अगर मैंने एरे के साथ यूज किया तो एरे में क्या दिखा दिया था, आइटम इज नथिंग बट इंडेक्स, तो आइटम ऑफ आइटम्स ऑफ आई। ओके, तो जिससे यहाँ पे आउटपुट आने का मेन रीजन क्या था, अगर आप समझोगे तो अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करता हूँ, आई यहाँ पे क्या दे रहा है, 0 1 2 3। ओके, 0 1 2 3, 0 1 2 3 क्या इंडेक्स है, तो अगर 0 पे यहाँ पे 10 है, 1 पे 20, 2 पे 30, 4 पे 3 पे 40 है, तो अगर मैं डेटा आई पास करूंगा तो एवरी टाइम यहाँ पे चेंज होगा 0 1 2 3, और उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। ओके, इस एग्जांपल में क्या दिया है, सिंपली यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल लिया हूँ, टोटल वेरिएबल में जो भी वैल्यू मिल रहा है उसमें ऐड करके नीचे प्रिंट किया है, तो मतलब इसका क्या आएगा, एडिशन ऑफ ए आएगा। तो सपोज आप इसका वेरिएबल एक बाहर डिक्लेयर कर लेते हो, टोटल टोटल समथिंग दैट। ओके, तो आप यहाँ पे मेन नोटिस ये करो कि ये काम कैसे कर रहा है, फॉरिन फॉरिन का अगर अगेंस्ट आप फॉर लूप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली मेन बेनिफिट ये है कि आपको लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डिपेंड अपॉन द डेटा जैसा रहेगा उसके बेसिस पे वो ना ऑटोमेटिक चलेगा, और ये हम लोग को एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है। मेन बेनिफिट ये क्या है, ये हम लोग को एक इंडेक्स प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम लोग सिंपली जो डेटा चाहिए या जो जो भी कंटेंट चाहिए उन्हें निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका टोटल कितना, वो 100 हुआ, ये सबको ऐड किया यहाँ पे। ओके, सिंपली टोटल यहाँ पर डिफाइन किया, यहाँ पे एवरी टाइम प्लस दिया, प्लस किया तो प्रीवियस डेटा के साथ तो प्लस होते हुए इसमें साइन होगा एंड यहाँ पे प्रिंट हुआ। ओके, सो दिस इज अ फॉर इन लूप विथ एरेज। देखो अभी एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों में कंपेयर किया है कि अगर फॉर लूप में कोई अनडिफाइंड वेरिएबल आ गया तो भी वो उसको प्रिंट कर देगा, ध्यान देना, बट अगर वही फॉर इन लूप में आया तो उसको इग्नोर करता है, कैसे ध्यान देना अभी यहाँ पे। जैसे मान लो मैं इस सेम एक नीचे डिक्लेयर करता हूँ, ओके, और यहाँ पे लाइन मारता हूँ जिससे एक आइडिया मिले कि न्यू पार्ट है। ओके, अभी सपोज मैंने यहाँ पे डेटा डेटा वन डिफाइन किया, ओके, और यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया मैंने, और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने क्या किया, डेटा वन थर्ड इज इक्वल टू, मान लो मैं 100 दिया या 20 दिया, तो हुआ क्या, मैंने थर्ड इंडेक्स पे 20 दिया तो बाई डिफॉल्ट 0 1 2 इसके बाद का 4 5 6 उसको डिफाइन नहीं हुआ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करोगे डेटा वन को प्रिंट करोगे, देखो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, नोटिस करना आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आया, 20 आया। मतलब क्या हुआ, जो बाकी डेटा था उसने इसको प्रिंट नहीं किया, वही अगर मैं फॉर लूप से प्रिंट करता हूँ, ओके, अगर मैं वही फॉर लूप से करता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे वेरिएबल आई इक्वल टू 0, आई लेस देन डेटा डॉट डेटा वन डॉट लेंथ, ओके, एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पे अगर मैं डेटा वन का आज प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देना ये 3 टाइम अनडिफाइंड प्रिंट हुआ और यहाँ पे डेटा आया, 3 टाइम अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। तो अगर यहाँ पे ये नोटिस करोगे कि अच्छा यहाँ पे इंडेक्स भी ले लो तो एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे डेटा आ रहा है, प्लस ये मेरा इंडेक्स है। ओके, देखो तो 0 पे क्या मिला, अनडिफाइंड मिला, 1 पे क्या मिला, अनडिफाइंड मिला, 2 पे क्या मिला, अनडिफाइंड मिला, 3 पे क्या मिला, 820 मिला। तो अगर सपोज ऐसे डेटा हुआ कि मुझे कुछ प्लस मारना है या कुछ और मारना है तो वहाँ पे अनडिफाइंड का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, फॉर इन। तो ये सब बेनिफिट है फॉर इन के, जो वो फॉर लूप में आपको वहाँ पे एरर आने के चांसेस रहेंगे जहाँ पे फॉरिन आपको हैंडल कर सकता है। ओके, तो ऐसे केसेस अगर आप फॉरिन यूज करें अगेंस्ट फॉर लूप तो वेरी गुड, सबसे अच्छा रहेगा। ओके, फॉर लूप एंड फॉरिन लूप पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एरे के साथ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी हो, आप कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।